ओम शांति। 20 मार्च 2004। ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्त और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो? ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना, कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है, तो जीवन मुक्ति नहीं। वाह वाह वाह, ऐसे है, चेक करो। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए है, कोई भी सोने की हीरे की रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा, तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो चेक करो, जिम्मेवारी कहां तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का क्या उठाया है, ठेका उठाया है। तुम सब कौन हो? विश्व कल्याण के ठेकेदार, शांति के दूत, देव आत्माएं। संसार की आत्माएं क्या बजा रही है? नगारे, ढोल के चिमटे, घंटियां बजा रही है, नगाड़े बजा रहे हैं और चिमटे बजा रहे हैं। आवाज सुनो और क्या करो? उपकार करो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप सब कौन हो? ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्टर, वर्ल्ड बेनिफिक्शन। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन लेकिन क्या, क्यों नहीं करता? और बच्चों को आगे रखना चाहता है, और बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप को बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करने चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। बाप के आदि से अंत तक के साथी हो, यह नशा है। आदि से अंत तक साथी है, भगवान के साथी हो। बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं। बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। तो मुरली है 2004 की 20 तारीख मार्च का मास। ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से क्या मिलती है? सिद्धि। तो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। कुमारियों को कौन से दो बंधन बताए? अनुभव करते हो? ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन
बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए, और सदा हाय हाय खत्म, वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं लेकिन संकल्प मात्र भी, संकल्प स्वप्न मात्र भी हाय हाय है मन में आता है तो क्या नहीं है, जीवन मुक्ति नहीं है। क्या कहा, अगर कोई भी बात में एक मंत्र है और एक नेत्र है, अगर कोई बात डिस्टर्ब करे तो, कौन सी, मन मनोभव का मंत्र है और नेत्र, अभी तो मुरली गई ना संडे की, आत्मिक दृष्टि, जरा भी मुख से नहीं लेकिन संकल्प मात्र भी स्वप्न मात्र भी अगर हाय हाय निकलता है मन में आता है तो जीवन मुक्ति नहीं। क्या निकलना चाहिए, कितनी बार निकलना चाहिए, वाह वाह मनोज भाई, वाह वाह कितना निकलना चाहिए दिन भर में, 24 घंटे में कितनी बार वाह निकलना चाहिए, वाह 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 ऐसे है, चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुई है, कोई भी सोने की हीरे की रॉयल बंधन की रस्सियां बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। अगर कोई बंधन डालने वाला आ जाए निखिलेश भाई तो क्या करना है, यदि कोई बंधन डालने वाला आ जाए तो क्या करेंगे, आग जला कर रखो। आज कहा है साकार मुरली में, ये योग अग्नि है, आपके बंधन मुक्त बनने से आशीष भाई क्या हो जाएगा, सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल जाएगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं को दुख शांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तो चेक करो जिम्मेवारी कहां तक निभाई है, रिस्पॉन्सिबल आत्माएं हो। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका, ये ऑक्यूपेशन है, इसको भूलना नहीं है, किसके हम कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप के बच्चों, बाप का बच्चों से प्यार बहुत है, इसके लिए अकेला नहीं करना है चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है, बाप के आदि से अंत तक के साथी हो, या नशा है आदि से अंत तक साथी है, भगवान के साथी हो। बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं, कौन सी, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखने चाहते हैं। तो क्या सुना, कोई भी हाय हाय नहीं हो, कोई भी बंधन नहीं हो, कोई भी दुख अशांति हमारे अंदर ना हो, कोई भी दुख के बंधन, जीवन बंध इधर ना हो, तो हम संसार को जीवन मुक्ति कैसे दे सकेंगे, अगर हम ही बंधन में हैं तो। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति का क्या अर्थ है, जीवन मुक्ति के कई सारे अर्थ है। एक जीवन मुक्ति है सतयुग की मुक्ति और जीवन मुक्ति, लिबरेशन एंड लिबरेशन इन लाइफ। एक तो वो सतयुग और त्रेता में आत्माएं मुक्त है देह में होते हुए भी। दूसरी जीवन मुक्ति है परमधाम में, जीवन परमधाम में मुक्ति है, परमधाम में मुक्ति है। एक जीवन मुक्ति है संगम युग की जीवन मुक्ति, ये दुख मुख्य दो रूप से जीवन मुक्ति है, एक सतयुग की और एक दूसरी संगम युग की जीवन मुक्ति। सदियों से मानव ने मुक्ति की तलाश की है, क्यों, ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो शायद मुक्ति या जीवन मुक्ति को न माने, क्यों,
क्योंकि हमेशा से ही आत्मा ने ये सोचा है या चाहा है मुक्त होने को। बंधन उसे स्वीकार नहीं है, किसी भी प्रकार का बंधन आत्मा को स्वीकार नहीं है। उसका मौलिक गुण मुक्ति है और सारी सभ्यताओं ने, सारे धर्मों ने, सारे दर्शनों ने संसार की नश्वरता को माना है। यह संसार नश्वरता का चक्र है, यह संसार आवागमन का चक्र है, यह संसार जीवन मरण का चक्र है। नश्वरता, आवागमन और जीवन मरण से मुक्ति हर दर्शन ने मानी है। शुरुआत द्वापर से हम करेंगे। जब से द्वापर युग चालू हुआ अब तक आत्माएं जीवन मुक्ति में थी, कोई बंधन नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दर्द नहीं, कोई दुख की संवेदना नहीं। आत्माएं आनंद की अवस्था में थी, मगन थी, सारे वैभव उपलब्ध थे, किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, सब कुछ था आत्मा के पास। और जैसे ही द्वापर चालू हुआ, द्वापर में देहभान आया। अब तक देहभान नहीं था, देह से आसक्ति नहीं थी, देह से मोह नहीं था। द्वापर से जैसे ही देहभान चालू हुआ, यहां दुख ने प्रवेश किया। और जैसे ही दुख आया, आत्मा के अंदर आंदोलन हुआ, आत्मा के अंदर हलचल हुई। कुछ आत्माएं जो कमजोर थी वो उस दुख में डूब गई, किसी ने दुख को स्वीकार कर लिया, किसी ने अस्वीकार किया, किसी ने विद्रोह किया, किसी ने मुक्ति का प्रयत्न किया। और जिन्होंने मुक्ति का प्रयत्न किया उन्होंने वेदों की रचना की, उन्होंने दर्शनों की रचना की। भारत में 6 दर्शन हैं और बहुत सारी मतें हैं। सभी ने मुक्ति, जीवन मुक्ति को किसी ना किसी अर्थ से माना है। यदि उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, परंतु मुक्त होने का प्रयत्न तो अवश्य किया। इसके लिए एक शब्द है भारतीय दर्शन में, जिसको क्या कहा, मोक्ष। और जो मोक्ष की कामना करता है उसे कहा मुमुक्षु। जब आत्मा में मुक्त होने की इच्छा हो जाती है, अब मुझे मुक्त होना है, ये बंधन अब मुझे स्वीकार नहीं, तब उसे मुमुक्षु कहा जाता है। तब वास्तव में वो धर्मपरायण होती है और धर्म के मार्ग का अनुसरण करती है। सबसे पहला दर्शन जो है वो है वेदांत दर्शन, अर्थात उपनिषद, अर्थात वेदों का जो निचोड़ है और वेदों का जो सार है वो उपनिषद है। वेद बहुत सारे विस्तार में गए हैं, परंतु वहां का जो सार है वो उपनिषद है, और उपनिषदों को ही वेदांत कहा है। और वेदांत का लक्ष्य है मुक्ति, और इस अवस्था को जो प्राप्त होते हैं उन्हें जीवन मुक्त कहा गया है या विदेह मुक्त कहा गया है। वेदांत दर्शन ने ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया है। वेदांत ने कहा है यदि मुक्त होना है तो एकमात्र इलाज है ज्ञान। कितनी भी भक्ति कर लो, कितने भी कर्म कर लो, सब कुछ कर लो, ये सब करने के बाद कितने भी पुण्य कर लो, पुण्यों का भी बंधन है। भक्ति करो, भक्ति का भी बंधन है। कर्म का बंधन, भक्ति का बंधन, ज्ञान का बंधन, योग का भी बंधन है। इसके लिए वेदांत मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत ने कहा है कि ज्ञान ही एकमात्र प्रकाश है और केवल ज्ञान का अनुसरण करना है जिसे मुक्त होना है। ज्ञान सर्वोपरि है, बाकी सबको वो अज्ञान ही देखता है। वो भक्त भगवान के प्यार में आंसू बहा रहे हैं, वो भक्त भक्ति कर रहे हैं, ढोल बजा रहे, नगाड़े बजा रहे, उनका कहना है ये KG1 KG2 है, किंडरगार्टन। उनका कहना है ये अभी बच्चे हैं, ये धीरे धीरे
जब बढ़ेंगे आगे तो इनको भक्ति के बाद फिर ज्ञान प्राप्त होगा। आज भी कहा है बाबा ने, बाप एक टॉपिक पर समझाते हैं, कौन से? मंजू बहन भक्ति वैराग ज्ञान, भक्ति से वैराग और फिर ज्ञान, ज्ञान भक्ति वैराग, ऐसे भक्ति से वैराग और फिर ज्ञान, बाप इस एक टॉपिक पर समझाते हैं। तो ये संसार के मार्ग और ये बाबा ने बताए हुए मार्ग, हम दोनों को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। वेदांत ने कहा है ज्ञान ही श्रेष्ठ है, बाबा भी कहते हैं ज्ञान ही श्रेष्ठ है, भक्ति से तुम्हें वैराग आ जाना चाहिए। वेदांतिन भी कहता है कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ये मार्ग शंकराचार्य का है, जिसे अद्वैत वेदांत कहा गया है, जिसे मोनिज्म कहा गया है, जिसे नॉन ड्वैलिज्म कहा गया है, अद्वैत, द्वैत नहीं जहां, दो नहीं जहां पर, एक ही है, नॉन ड्वेल, नॉन ड्वेलिज्म, मोनिज्म, अद्वैतवाद, मायावाद, वेदांतवाद, ये अलग अलग नाम है उसके, उपनिषद का मार्ग या ज्ञान मार्ग, इतने नाम दिए गए हैं। तो ये मार्ग कहता है केवल और केवल ज्ञान से ही मुक्ति होगी, और ज्ञान चार वेद वाक्यों में सारांशित किया गया है। पहला अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। दूसरा सर्वखल्वदं ब्रह्म, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म है। तीसरा अयमात्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं। और चौथा प्रज्ञानम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म जो है वो चेतन है। अब इस ज्ञान में हम इन चारों महावाक्य का अभ्यास कर सकते हैं। पहला अयम आत्मा ब्रह्म नहीं, मैं आत्मा ब्रह्म नहीं, मैं आत्मा ब्रह्म में रहने वाली। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म चेतन है, बाबा ने कहा है ब्रह्म अचेतन है, ब्रह्म चेतन नहीं है, प्रज्ञान नहीं है, प्रज्ञा नहीं है उसमें, चेतना नहीं है, ब्रह्म तो अचेतन है। मैं आत्मा ब्रह्म में रहने वाली हूं, मैं आत्मा अलग हूं, वो कहते अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, मैं कहता हूं आत्मा ब्रह्म नहीं हूं, मैं आत्मा में रहने वाली हूं और ब्रह्म से अलग हूं। ये जो अवस्था है ये मुक्ति की अवस्था है। सर्वखल्विदम ब्रह्म, अर्थात जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म है। जब आत्मा परम धाम में है तो वहां जो कुछ भी है आसपास, इर्द गिर्द, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पोलर ही पोलर, हद देहत से पार मैं हूं। आज सुबह की साकार मुरली में मंजुबेन, ये सतयुग त्रेता हद है, ये द्वापर कलयुग बेहद है, मैं हद बेहद से पार रहने वाला हूं, मैं तुमको हद और बेहद दोनों से पार ले जाता हूं। वो ब्रह्म तत्व पोलार ही पोलार, ये यहां बोला है, यहां के जगत का विस्तार है वो। तो मुक्ति अर्थात आत्मा की परमधाम की स्थिति। दूसरा है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन ने एक शब्द का प्रयोग किया निर्वाण, निर्वाण अर्थात बुझ जाना, दिया जब बुझ जाता है तब उसे निर्वाण कहा जाता है। परंतु इसकी कड़ी आलोचना की लोगों ने, शून्यवाद की बुद्ध के, कईयों ने कहा अगर बुझ ही जाना है तो फिर रहा ही क्या, फिर ये सारा प्रयत्न ही किस लिए। परंतु बुद्ध ने जब निर्वाण शब्द का प्रयोग किया उसका अर्थ कुछ और था। निर्वाण अर्थात शरीर छोड़कर कहीं और जाना नहीं, निर्वाण अर्थात किसी की शरण जाना नहीं, निर्वाण अर्थात भक्ति नहीं, निर्वाण अर्थात अष्टांगिक मार्ग, एटफोल्ड पाथ्स। बुद्ध का मार्ग है मजलिम निकाय, द मिडल पाथ, उसको उसने निर्वाण कहा। निर्वाण अर्थात कुछ इस शरीर को छोड़कर कोई प्राप्त करने वाली अवस्था नहीं है, यहां पर निर्वाण, यहां इस देह में सदेह रहते हुए निर्वाण की अवस्था। निर्वाण अर्थात सम्यक दृष्टि, राइट विजन, सम्यक संकल्प, सम्यक बोल, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक दर्शन, इन सभी को जो आठ मार्ग बुद्ध ने बताए उसको निर्वाण कहा है। ये निर्वाण की वास्तविक परिभाषा है। इसी को जो हिंदू धर्म जिसे मुक्ति कह रहा है
उन्होंने उसको निर्वाण कहा। इसमें जो भी चीजें बताई गई है, आठ बातें जो है उनकी, वो सारी ही इस ज्ञान मार्ग में बाबा ने बताई है। कैसे? सबसे पहले शुरुआत उन्होंने सम्यक दृष्टि से की है, राइट विजन, सम्यक समझ, अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, सम्यक संकल्प, कमजोर और व्यर्थ संकल्प की क्या खड़ी कर देते हो, दीवार, और दीवार जब खड़ी हो जाती है तो क्या होता है, सूरज की किरणें नहीं आ पाती क्योंकि नीचे उतरे हुए हो। नीचे उतर गए तो बहुत सारी चीजें होती है, उसकी चर्चा करेंगे, अभी बाकी है ना, आज देखेंगे। तो जब सीट से नीचे उतरते हो तो क्या क्या होता है, सात चीजें हैं। सीट से नीचे उतरते हो, सात प्रकार की बीमारी हो जाती है, स्पिरिचुअल एनीमिया, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, स्पिरिचुअल डिप्रेशन और स्पिरिचुअल डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मतलब दो दो देखना, ऑप्थेल्मोलॉजी में डिप्लोपिया मरता है, दो दो देखना, एक मत नहीं अनेक मतें दिख रही है, एक रास्ता नहीं कई सारे रास्ते दिखाई दे रहे हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल डिप्लोपिया, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन और स्पिरिचुअल एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। ये चार और तीन है, वो बाद में देखेंगे। तो दूसरा दर्शन है बौद्ध दर्शन। अब भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा तुम आवास में आना और आवास से परे जाना, अभी अनुभव करो एकाग्रता। बारह विधि सुनाई है एकाग्र होने की, कौन कौन सी सुशील भाई, संडे की मुरली में, अब भी जो गए हैं संडे, 12 मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चला लिख, 12 लिखी, उसमें एक परिभाषा है, चार पांच फायदे हैं और 12 विधि है, सब एक कर दिया होगा तो ज्यादा हो गई, ठीक है चलो देखेंगे। तो बाबा ने निर्वाण, मुक्ति का एक अर्थ है यहां पर आवास से मुक्ति, आवास से परे जाना, निर्वाण की अवस्था का यहां अनुभव करना देह में रहते हुए, ये मुक्ति है। एक बताया अज्ञान से मुक्ति जो है ज्ञान वेदांत, एक बताया बौद्ध दर्शन अर्थात निर्वाण अर्थात आवास से परे, उस निर्वाण धाम की मुक्ति नहीं, उस निर्वाण की यहां संगम युग में बैठकर अनुभव करना, उस मौन का, उस शांति का, उस निरवता का, उस साइलेंस का, उस साउंडलेस साउंड का, उस स्टिलनेस का, उस बेआवास चुप्पी का, उस खामोशी का, उस साइलेंस का, वो है मुक्ति। ये आवाज आवाज आवाज, सैटरडे की साकार मुरली, आत्मा को किसने थका दिया है, ऊपर से चौथी लाइन, घंटियों ने और गाजे बाजे ने आत्माओं को थका दिया है, आत्मा को थक गई है आत्मा, ये आवाज ने उसे थकाया है, बहुत ही ज्यादा थक गई है। अब आत्मा को रेस्ट कैसे मिलेगा, ऑफ साइलेंस, साइलेंस इज द स्लीप दैट रिफ्रेशेस विजडम, मौन वह नींद है जो विवेक को जागृत करता है। द ग्रेटेस्ट पावर द हाइएस्ट काम आर फेड, विवेकानंद ने कहा है द ग्रेटेस्ट पावर द हाइएस्ट काम आर फेड, जितना गहरा मौन होगा उतनी अधिक शक्ति होगी, मौन को गहरा करते जाओ शक्ति बढ़ती जाएगी। आई शैल स्पीक टू दी इन साइलेंस, शेक्सपियर का एक पात्र कहता है मैं तुमसे बात करूंगा परंतु मौन में। तब बौद्ध दर्शन अर्थात निर्वाण, जीवन मुक्ति अर्थात आवाज से मुक्ति, बाजे गाजे और आवाज ने आत्मा को थकाया है, अब आवाज से परे, ये दूसरी। तीसरा है जैन दर्शन। जैन दर्शन निर्वाण शब्द का प्रयोग नहीं करता है, जैन दर्शन कहता है एक है जीव और एक है अजीव, जीव की अजीव से मुक्ति। आत्मा वो भगवान की सत्ता को नहीं मानता, बुद्ध भी भगवान की सत्ता को, ईश्वर को कोई नहीं मानता, ऐसा कोई पर्सनल गॉड नहीं है,
वेदांत भी किसी पर्सनल गॉड को नहीं मानता, वेदांत तो रिजेक्ट कर देता है अवतारवाद को। वेदांत कहता है ये अवतारवाद ये मनुष्य की कल्पनाएं हैं, अवतारवाद होता ही नहीं, ऐसा कोई अवतार प्रकट हो गया। ये विवेकानंद ने लिखा है, आई डाउट द पर्सन कृष्णा माइट हैव एग्जिस्टेड, इट्स बेटर दैट ही डिड नॉट एग्जिस्ट, इट्स बेटर नॉट टू हैव वन मोर अवतारा टू द लिस्ट ऑफ बिग अवतारास। एक जगह लिखा है, मुझे डाउट है ये कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति हुआ होगा, नहीं हो तो बहुत ही अच्छा, ऑलरेडी अवतारों की बहुत बड़ी लिस्ट है। एक और अवतार उसमें, क्राइस्ट बुद्धा एंड कृष्ण आर बट द वेव्स ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस दैट आई एम। एक दूसरी जगह लिखा है कि कृष्ण बुद्ध और क्राइस्ट केवल तरंगे है उस समुद्र की जो मैं हूं, केवल तरंगे है, ऐसे कोई अवतार नहीं होता है, तरंगे है और मैं भी वही समुद्र हूं, ये तो खाली उसकी वेव्स ऑफ अल्टीमेट कॉन्शियसनेस दैट आई एम, वो मैं हूं वो समुद्र जिसकी ये खाली लहरें है। तो वेदांत तो रिजेक्ट करता है अवतारवाद को, भक्ति को, सबको। बौद्ध दर्शन ने तो बिल्कुल मना कर दिया, ये भगवान भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है, दो नहीं, आत्मा परमात्मा दोनों को रिजेक्ट कर दिया। फिर है जैन धर्म, जैन धर्म तो केवल आत्मा, उसमें आत्मा को मुक्त होना है, जीव को अजीव से मुक्त होना है, इस प्रक्रिया को अस्त्राव उसने कहा है, अस्त्राव बहना, अस्त्राव। और फिर उसमें जो परम पद है उसको कहा है केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। सबसे पहला है वर्तमान के जो कर्म है उनके सारे बंधनों से मुक्त, उसको कहा संवर, और जो पास्ट के कर्म है उनसे मुक्त उसको कहा निर्जरा, संवर निर्जरा। और उसके बाद में तीसरी अवस्था है विदेह मुक्ति, इन तीन अवस्थाओं से चेतना को गुजरना है और फिर जो प्राप्त होगा वो है केवल ज्ञान। अब बाबा क्या कहते हैं, केवल ज्ञान तक पहुंचना है, केवल ज्ञान अर्थात अंतिम अवस्था है। सबसे पहले वर्तमान के सारे बंधनों से मुक्त जो कर्म है, पास्ट के सारे विकर्मों से मुक्ति निर्जरा, और फिर विदेह मुक्ति, ये तीसरी अवस्था। तो जैन धर्म अर्थात जैन धर्म किसी भगवान को नहीं मानता, हाँ ये तीर्थंकर है 24, ये मुक्त हुए थे, तुम भी इनके जैसा मुक्त हो जाओ, फिर उसमें से बट गए दिगंबर और श्वेतांबर, अलग अलग हो गए और फिर बहुत सारी चीजें हुई। तो हमारी जीवन मुक्ति अर्थात क्या, वर्तमान ऐसे कोई कर्म नहीं करना, उल्टे से उल्टे संकल्प नहीं करो, आज बोला है ना प्रश्न उत्तर में, तो वो बंद जाओगी उसमें, ऐसे कोई कर्म नहीं करना कि कूटने पड़े, ये मुक्ति है। और अब तक जो कर्म किए हैं उसको ज्वालामुखी योग से भस्म कर दो, ये जीवन मुक्ति, ये है तीसरा दर्शन। चौथा दर्शन है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा कहता है कर्म ही प्रधान है, ये भक्ति से कुछ नहीं होगा, भक्ति छोड़ो, कर्मयोग का मार्ग है पूर्व मीमांसा। वो कहता है ये ज्ञान से कुछ नहीं होगा, कितना भी ज्ञान रटो क्या फायदा, उधर व्यक्ति मर रहा है उसकी सेवा नहीं कर रहे हो, और एक मंदिर में जाके कह रहे हो, विवेकानंद ने एक जगह लिखा है यूअर नोज इज सो ब्यूटीफुल, यूअर फेस इज सो ब्यूटीफुल, और वहां पे बाजू में व्यक्ति बीमार पड़ा है और तुम मंदिर में जाके कह रहे हो हे कृष्ण तुम्हारी सूरत इतनी सुंदर है, तुम्हारे आंखें इतने सुंदर है, इससे कुछ मिलने वाला है? शिव ज्ञाने जीव सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा है, वर्शिप ऑफ मैन एज गॉड, दरिद्र नारायण, रोगी नारायण, इसी को नारायण समझकर पूजा करो, ये कर्म प्रधान है। तो पूर्व मीमांसा कहता है कर्म को प्रधानता है, ये अपने आप मुक्ति आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सब अपने आप आ जाएगा। बाबा ने कहा क्या कहा है, तुम्हारे जो कर्म है दर्पण है, खाली ज्ञान सुनने सुनाने का नहीं है, ये रटने रटाने का नहीं है, भाषण ठोकने का नहीं है, कर्म प्रधान, तुम्हारे कर्म से झलके, आज का वरदान है, स्वरूप बन जाओ, स्वरूप अर्थात जैसे ये अवगुण स्वरूप बन गए ना, जैसे दुख का सॉफ्टवेयर आत्मा में जैसे इंस्टॉल हो गया है, पूरा अपने आप इंस्टॉल हो गया है, कब इंस्टॉल हुआ पता ही नहीं, हम यस यस करते रहे, इंस्टॉलेशन में पूछता है ना, यस 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 करते जाते बिना पड़े, करते करते नेक्स्ट और यस, नेक्स्ट और यस करते करते इंस्टॉल हो गया है वो जन्म जन्म से, अभी अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वैसे ही ये जो गुण है उसको इंस्टॉल करो। तो
कर्म ही प्रधान है, कर्म को श्रेष्ठ कर दो तो अपने आप जीवन मुक्ति आ जाएगी। ये यहाँ की जीवन मुक्ति है, संगम युग की जीवन मुक्ति, ये है पूर्व मीमांसा। उसके बाद है न्याय और वैशेषिक दर्शन, ये दो दर्शन है, न्याय और वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक ने ये जीवन मुक्ति के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसका कहना है कि दुख और सुख आत्मा के अभिन्न अंग है और आत्मा को इन दोनों से परे जाना है, दुख से भी और सुख से भी। ये वास्तव, ये जीवन मुक्ति तो कहा ही नहीं, पर हां विदेह मुक्ति नाम का एक शब्द प्रयोग किया है। ये अवस्था है कि जिसमें आत्मा अप्रभावित रहे संसार से, दुख भी नहीं सुख भी नहीं। ये वैशेषिक और ज्ञान न्याय निर्लेप, हाँ ये कॉन्सेप्ट इधर का है। ये दो शास्त्र है। फिर उसके बाद में अगला शास्त्र, अगला दर्शन है न्याय, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कहता है कि मुक्ति मिल सकती है, मार्ग है अष्टांग योग, या योग भी एक दर्शन है पतंजलि का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये आठ मार्ग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, ये योग का मार्ग। न्याय सांख्य दर्शन कहता है, सांख्य दर्शन अर्थात पुरुष और प्रकृति, ये प्रकृति है और मैं आत्मा पुरुष हूं, प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होना ये है लक्ष्य, प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होना ये जीवन मुक्ति है। बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें प्रकृति जीत बनना है, तुम मालिक हो, दास दास को ऑर्डर करे तो मानेगा क्या, संडे की मुरली, तुम सीट पर बैठो, तुम मालिक हो, उतरो नहीं सीट से, अच्छी आराम की सीट है आरामदायी, फिर उधर हलचल वाली सीट है बेआरामी वाली सीट है, फिर भी उतरते हो और फिर चार चीजें करते हो, कौन सी, लटकेंगे अटकेंगे चिल्लाएंगे और गिरेंगे, अटकना लटकना चिल्लाना और गिरना, बाबा मैं तो हूं ही आपकी शक्ति दे दो, ये अवस्था मास्टर सर्वशक्तिवान की अवस्था नहीं है, ये महा अवस्था प्रकृति जीत की अवस्था नहीं है, प्रकृति के अधीन ये अवस्था है। सीट पर सेट होना अर्थात सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन अर्थात मैं आत्मा मालिक हूं पुरुष हूं और ये प्रकृति मेरे अधीन है, ये अवस्था है सांख्य दर्शन की। यहां जीवन मुक्ति अर्थात प्रकृति के अधीनता से परे, मैं आत्मा प्रकृति मेरे अधीन, मैं पुरुष ये प्रकृति, ये है जीवन मुक्ति। उसके बाद है विशिष्ट अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत में जीवन मुक्ति के सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया, जैसे न्याय और वैशेषिक ने रिजेक्ट कर दिया उसने भी रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा जीवन मुक्ति चाहिए ही नहीं, क्योंकि रामानुजा के अनुसार भक्ति ही सर्वोपरि है, भक्ति से परे कुछ है ही नहीं, वो नारायण ही सब कुछ है। यह है विशिष्ट अद्वैत, भक्ति अर्थात प्रेम योग। बाबा ने क्या है, एक सेकंड में योग अर्थात संडे की मुरली, चारों ही चीजें एक सेकंड के, ज्ञान योग धारणा सेवा, एक सेकंड में योग अर्थात कुमुदबेन योग, योग मैं बाबा की बाबा मेरा, यह है प्रेम योग। इसके लिए राजयोग का एक नाम है प्रेम, प्रेम योग, एक सेकंड में प्रेम ही सर्वोपरि है, कितना भी ज्ञान सुन लो कितना भी कुछ कर लो, परंतु योग तो एक सेकंड का है कि मैं उसका वो मेरा बस, यह है राजयोग एक सेकंड। पर भक्ति, भक्ति सर्वोपरि मतलब भक्ति अर्थात प्रेममयी, उससे प्यार, ये भक्ति मार्ग। राजयोग का एक नाम भक्ति योग भी है, पता है ना, राजयोग का एक नाम कर्मयोग भी है, राजयोग का एक नाम सर्वांगिक योग भी है, राजयोग का एक नाम हठ योग भी है, राजयोग का एक नाम संन्यास योग भी है, राजयोग का एक नाम मनोरंजन योग भी है, बुद्धि योग भी है, बहुत सारे नाम है उसके, समत्व योग, समर्पण योग, जितनी परिभाषा है वो सारे भक्ति के, जो सारी जो चीजें ना वो सब इधर है, तो उधर के जितने दर्शन हम गिना रहे वो सारे इधर भी है। समत्व योग, समानता, सभी आत्मा है, आज सुबह की मुरली, आत्मा भाई भाई है, तो और दृष्टि आई कहां से,
आ ही नहीं सकती, सब भाई 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 है। सुना ना, सुना है ना अभी? हाँ, निद्रा निद्रा योग छोड़ के बाकी सब है। अच्छा, निद्रा एक इस रीति से है कि आत्मा को आराम मिलता है इसमें। अच्छा, सोते सोते याद करो, ये एक दूसरा परिभाषा है। बोला नहीं, बोलेंगे तो कहाँ थे हम? विशिष्ट अद्वैतवाद, स्पेसिफाइड वेदांत जिसको कहते हैं रामानुजाचार्य, साउथ में ये तीन महान योगी निकले जिन्होंने प्रकृति पुरुष और विशिष्ट अद्वैत में एक है द्वैत जिसमें सब एक ही है, अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैत अर्थात यहाँ पे आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, प्रकृति अलग है, ये तीन, और द्वैत है फिर बाद में उस पे आएंगे हम। तो यहाँ हम थे अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत कहता है कि भक्ति ही सर्वोपरि है, भक्ति से परे कुछ है ही नहीं। ये कितना भी कर्म कर लो, कितना भी दर्शन कर लो, कितना भी ज्ञान रट लो, वो जो ज्ञान जो वेदांति थे ना, वेदांति के विरोध में है ये सारे। इन्होंने मूर्ति पूजा चालू, कृष्ण के मंदिर और कृष्ण की भक्ति, वल्लभाचार्य, ये सब इसी को फॉलो करने वाले हैं बाद में। तो ये है विशिष्ट अद्वैत। भक्ति इनको बहुत छोटी लगती है, भक्ति एक साधन, मतलब भक्ति सबसे बड़ी लगती है, मुक्ति तो छोटी सी चीज है। मुक्ति वात्सु न मजला, भक्ति वात्सु न मजला, जड़ली रे व्याधि, विठला मीत खरा अपराधी। भक्ति कहता है कि भक्ति छोड़कर अब मुझे मुक्ति की इच्छा होने लगी है। विठला मीत खरा अपराधी, वो कहता है ये अपराध मेरे से हो गया है कि भक्ति को छोड़कर मैं मुक्ति चाह रहा हूं। क्या मुक्ति भक्ति से श्रेष्ठ है? मीत खरा अपराधी, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं भक्ति को चाह रहा हूं, मैं तो केवल भक्ति ही चाहता हूं, बस भक्ति ही परिणाम है, भक्ति ही रिजल्ट भी है, भक्ति ही सर्वोपरि है। यह है विशिष्ट अद्वैत। फिर उसी से जुड़ा हुआ है माधवाचार्य, बाद में आया, उसने कहा द्वैतवाद। द्वैतवाद अर्थात आत्मा हम अलग, परमात्मा अलग, ये भी 100% भक्ति मार्ग है, पर इसमें मुक्ति को ये मानता है, भक्ति करनी इसलिए ताकि मुक्ति मिल जाए, ताकि हम कृष्ण लोक में चले जाए, गोलोक में चले जाए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए उसके साथ रहे, वैकुंठ में, घनश्याम राधे राधे वैकुंठ में विराजे, वहां उस लोक में उसके साथ। अब हम क्या कहते हैं, सदा बाप के साथ रहना उधर परम धाम में, ये मुक्ति है ऊपर। तो ये हमारा द्वैतवाद भी है, विशिष्ट अद्वैतवाद भी है, वेदांतवाद भी है, सांख्यवाद भी है, न्याय भी है, न्याय दर्शन भी है, सांख्य की वैशेषिक दर्शन भी है, सांख्य दर्शन भी है, बौद्ध दर्शन भी है, जैन दर्शन भी है, सारी मते इस एक मत में समाई हुई है। अभी अभी 10-15 दिन पहले एक साकार मुरली थी, याद है ना? सारी मते बाप तुमको वह मत देते हैं जिसमें सारी मते समाई हुई है। बाप ऐसा ये संबंध है जिसमें सारे संबंध समाये हुए हैं। तो ये है हमारी जीवन मुक्ति। ये भारत हो गया, भारत के बाहर चल रहे, अगली बार जाएंगे क्रिश्चियनिटी है, फिर ज्यूइश धर्म है, फिर इस्लाम है, ये अलग अलग धर्मों ने भी माना है, शिंटू, अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग, कॉन्फ्यूशियस, ताओइज्म तो इन धर्मों ने भी मुक्ति को माना है, पारसी धर्म, अलग अलग रीति से माना है। तो यहां बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हें मुक्त होना है, सभी बंधनों से मुक्त होना है। बंधनों से मुक्त अर्थात नश्वरता से मुक्त, अर्थात जीवन मरण का ये जो दुख है, इस आवागमन से मुक्त, यहाँ के दुखों से, झंझटों से, चिंताओं से, समस्याओं से, हर चीज से मुक्त होना है, पर चिंतन से, पर दर्शन से, प्रकृति से, ये कर्मों के बंधन से, कर्म और पुरुषार्थ से नहीं परेशानियों से, कर्म और कर्म के परिणाम से, ये कर्मातीत अवस्था की परिभाषा है। जीवन मुक्ति कहो, कर्मातीत कहो, कर्मातीत यहां से शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर में रहते हुए कर्मातीत, ये है संगम युग की जीवन मुक्ति, जिसमें सारे दर्शन, सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे पुराण, सारे ग्रंथ, सारे बाइबल, सारे धर्म समाये हुए। महावीर ने अपनी जीवन मुक्ति को एक नाम दिया, निर्ग्रंथ। सारी ग्रंथियां जो है कॉम्प्लेक्सेस से आत्मा मुक्त हो गई है, कॉम्प्लेक्सेस में बंधी आत्मा है, ग्रंथियां है ये सारी, देह का मोह, देह के संबंध का मोह, देह की भाषा, देह का स्थान, देह के भोग,
देह की वासनाएं, देह की तृष्णाएं, सभी वासनाओं से मुक्ति को ही गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुझ जाना, वासनाओं का बुझ जाना निर्वाण है। पर लोगों ने बहुत आलोचना भी की, उन्होंने कहा निर्वाण अर्थात क्या, ये नया ही कॉन्सेप्ट कहां से आ गया। हिंदुओं ने बहुत विरोध किया, इसके लिए तो बुद्ध धर्म को यहां से खदेड़ कर बाहर फेंक दिया। बुद्ध धर्म कहां है भारत में, रहा ही नहीं इधर। बुद्ध धर्म भारत से बाहर गया, चीन में गया, जापान में गया, तिब्बत में गया, सब जगह गया, वहां प्रगति हुई, यहां तो है ही नहीं, खत्म हो गया। यहां पे जैन धर्म भी भारत के भारत में ही रह गया, भारत से बाहर नहीं जा सका, यही है सारे जैनी। तो कुछ बातों की वजह से तो जीवन मुक्त बनना है। मैं कहां कहां बंधन में हूं, कोई संबंध बंधन है, कोई व्यक्ति बंधन है, कोई स्थान बंधन है, समय बंधन है, कोई वैभव बंधन है, किसी के साथ जो आकर्षण है वो बंधन है, कोई भय बंधन का कारण तो नहीं, मेरा क्या होगा, मेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे हैं लोग, ये भी बंधन है। अपनी ग्लानि हो जाए इसका भय, ये भय भी बंधन का कारण है। इसके लिए सभी बंधनों से मुक्त होना है। लास्ट एक बात कह रहे, ये कहीं पर हमने पढ़ी है, शंकराचार्य का लिखा हुआ है, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चलन तत्वे जीवन मुक्ति हो। कहा है कि सत्संग करो, सत्संग से निसंगता आएगी। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगता आता आत्मा अलगाव से, ये जो अलगाव होगा आत्मा का, लगाव जो है अभी लगाव है हर चीज में, आत्मा डिटैच होगी, सेपरेट होगी, किससे, सत्संगत, सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग से निसंग हो जाएगी आत्मा, निसंग, किसी का संग नहीं रहेगा सांसारिक लोगों का, उस संग से छूट जाएगी। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निसंग से आत्मा निर्मोही बनेगी, अमोह की अवस्था आएगी, अटैचमेंट फ्री, क्योंकि सारे दुखों का कारण अटैचमेंट है। निर्मोहत्वम हत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल हो जाएगी आत्मा, निश्चिंत और अचल अडोल बन जाएगी, कब, जब सारे मोह से मुक्त होगी, तब निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही, ये जीवन मुक्त को प्राप्त होगी फिर। तो लक्ष्य है, अभी मरकर जीवन मुक्ति नहीं, वो सतयुग को पता नहीं, और परम धाम का छोड़ो, यहां बैठे बैठे परम धाम की स्थिति का अनुभव करना, यहां बैठे बैठे सतयुग की स्थिति का अनुभव करना, अर्थात संगम युगी जीवन मुक्ति। ओम शांति।